और प्लस बी का मान कितना है, ए आर, और सी का मान प्लस सी का मान ए आर स्क्वायर, ए का मान डी रहेगा, डी है ये सर, डी है ये डी सर, तो डी का मान तो ए आर कितना आ गया, ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस ए स्क्वायर आर क्यू प्लस वन। अब ये अंदर ही अंदर कॉमन आएगा, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर, क्या बच रहा है वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यू घात चार, और इसका हो जाएगा यहाँ पर जो वर्ग खोलोगे आर एच एस कितना हो जाएगा, ए की घात चार आर स्क्वायर वन प्लस आर प्लस आर की घात चार, तो वन क्यों, ए की घात दो की घात दो हो जाएगा ना, वन लिखेगा एक घात चार आर की घात दो, और इस पर निकली ना कहीं घात बोले, आप देखो ये जो निकल कर आया आर एच एस, आर एच एस के बराबर है या नहीं, कहाँ है एल एच एस, कितना है एल एच एस, आर स्क्वायर आर वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की घात चार, और इसको ये वाली ए लिख दो एल एच एस, कुछ नहीं करना है खाली बस पदों में याद रखना सूत्र क्या है, क्योंकि ए आर का फॉर्मूला होता है ए आर की घात एन माइनस वन, यानी ए प्रथम पद और आर सर्वार्थ पद। चलो आ जाओ, आपसे ये बताओ इसमें जीपी में कौन सा पद जो है आते आते कहीं 128 है, मतलब पांचवा पद है, छठा है, आठवां है, मान ले माना एनवा पद है 128, यानी ए एन बराबर कितना है, ए बराबर कितना है दो, आर बराबर दो वर्गमूल दो को दो से भाग करो या चार को दो वर्गमूल दो से भाग करो, ये कटा दो दूनी
चार घट के वर्गमूल वही है, यानी आर का मान आ गया वर्गमूल ए का मान यह है, एन टर्म जो है वो 100। एन टर्म का फॉर्मूला बता दो, ए बराबर होता है ए आर की घात एन, एन का मान कितना है, एन का मान टू, आर का मान इसकी घात एन वन। वर्गमूल का मतलब याद रखना घात होती है एक बटा दो, किसी संख्या में वर्गमूल लगा है उसका मतलब, उसका मतलब उसकी घात एक बटा दो है, तो यहाँ दो पे वर्गमूल लगा है, तो उसका मतलब ये है दो गुणा दो की घात एक बटा दो की घात, घातों की घात अगर होती है तो गुणा हो जाती है, एक बटा दो की घात की घात ये है आपस में गुणा हो जाएगी, एन माइनस वन बटा दो, आधार समान है खाते जुड़ जाती है, दो की घात वन प्लस, ऐसे में लोग खातों पर ऊपर चले कहा नहीं खातों कर दो प्लस एन माइनस वन, ये कितना 28, छोटे संबार 28 होता कितना है 128। ऐसा करो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो वैसे दुनिया में इतनी परेशानियां, एक परेशानी नौकरी करती है, इसे दो से भाग कर दो ले जाके, कितना आ जाएगा 64। 64 कितना होता है 8 की घात दो है ना, और 8 कितना होता है 2 की घात 3, 2 की घात 6 हो गए, उंगलियों पर कर लो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6, घातों की तुलना कर लो, एन माइनस वन बटे दो बराबर 6 है, तेरवा पद कौन होगा, यानी एक तेरा बराबर 128, कौन सा पद, तो खाली आपका आंसर क्या है, तेरवा पद 128 होगा, तेरवा पद आपका उत्तर है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये 128 भी लिखा होगा, ये 13 भी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कौन सा पद, यानी एन का मान पूछा है आपसे, बात समझ आ रही है, अब कराएंगे 27वां, कराया तो नहीं है अभी, श्रेणी में होती थी तो बीच वाली संख्या का दुगना पहली और तीसरी संख्या के योग के बराबर होता था, ऐसा क्यों होता था, गुणोत्तर श्रेणी का नियम लगा दो, दूसरा पद बटे, देखो ना ए बी सी तीन संख्याएं हैं, ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बी बटे ए बराबर सी बटा बी, त्रिकोण अगर वो कितना है, अरे बीच का वर्ग अन्य दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर, तो यानी एक्स का वर्ग तो दो से दो कट गया, दो से दो कट गया, सात से सात कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर एक, एक्स बराबर वर्गमूल एक, वर्गमूल जब भी आता है वो प्लस माइनस में आएगा, तो एक्स बराबर प्लस एक व एक्स बराबर, अगर किसी ने इसका मान एक ही लिखा एक्स बराबर एक तो नंबर कटेगा क्योंकि दो मान आएंगे, क्योंकि सवाल में कहा है एक्स के मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो नहीं है सवाल, सवाल है एक्स के मान गया, देखो किताब में लिखा होगा, 27वां देखते हैं, ये कह रहे हैं एक की घात एन प्लस वन प्लस बी की घात एन प्लस वन बटे ए की घात एन प्लस बी की घात एन, ए व बी का गुणोत्तर मानते हैं, बताओ क्या करो, Thank you.
यहाँ देखो मैंने क्या किया था, ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी जो है वो ए और सी का क्या है, गुणोत्तर मात्र। ठीक है, ऐसे ही ये अगर गुणोत्तर मात्र है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए की घात एन प्लस वन प्लस बी की घात एन प्लस वन बटे ये होने चाहिए जी पी। अगर कोई संख्या गुणोत्तर मात्र दे रखी है दो संख्याओं की, तो उस संख्याओं को दोनों के बीच में जब लिखोगे उस संख्या को दोनों संख्याओं के बीच में, तो तीनों संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में आ जाएंगी। तो गुणोत्तर श्रेणी में बीच वाली संख्या का वर्ग अन्य दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इधर जाती है तो एक बटे हो जाए, घातों में जा रहे हैं इधर उधर, घात दो जब इधर जाएगी तो इधर वाले के एक बटे हो। ठीक है, मान लो नहीं ये खाते समझ में आ रही है बात, अभी जाए रहे जितनी तीन होती तो एक बटा तीन हो जाए, ये कितना आ गया मेरे। अब एक ही घात n वाले एक तरफ और b की घात n वाले बटा दो, यहाँ बी की घात एक थी इसमें से एक बटा दो कॉमन लोगे तो कितना
बचेगा ये। अब यहाँ से आपके पास देख रहे पूरा क्योंकि ए बी के बराबर नहीं, ए बी के बराबर होता तो बीच में समांतर माध्य कहाँ आता, गुणोत्तर माध्य कहाँ आता है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, अगर ए बी के बराबर होता तो जीरो बन जाता और ये भी जीरो बनता और जीरो से जीरो काटते तो मैं तो कटता नहीं, ठीक है। इसलिए आपको जो है स्पष्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि ए बराबर नहीं है बी के, इसलिए हम इससे इसको काट के ले लेते हैं। ए की घात एन प्लस एक बटा दो बराबर बी की घात एन प्लस, ये कितना आ गया ए बटा बी की घात एन प्लस एक बटा दो बराबर बी, एक की घात लिख लो जीरो, इधर तो एक रह गया ना जो उसको इधर लेकर और घातों को तुलना कर लो कैसे होगी तुलना, जब एक है यहाँ पर तो दिलवाली की तरह इसको इधर ले गए हैं बीच बचा, एक को किसी की भी थ्रू घात जीरो लिख सकते हैं, यहाँ से क्या आ गया घातों की तुलना करो एन प्लस एक बटे दो बराबर जीरो और एन बराबर माइनस चेक कर लो।